नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर साइंटिस्ट। तो ये जो हार्ड डिस्क है ये आज आया है, कैसे भी इनका डाटा चाहिए तो हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो रिकवरी में भेज देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जितना भी स्क्रू लगा हुआ है सबको एक एक करके निकालना होगा। सभी स्क्रू जो है हमने निकाल दिए, अभी हम इस बोर्ड को जो है मैन्युअली देखेंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसको चेक करेंगे। देखिए एक जगह बर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बर्निंग हुआ है, तो इसका मतलब ये रिपेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए ये एक लाइन जो है यहाँ पर बर्न हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं। और अभी जो है इसे हम चेक करेंगे, वो ग्राउंड के साथ भी सॉर्टिंग हो सकता है। स्पिन का लाइन यहाँ पे खत्म, ठीक है। और ये जो है नेगेटिव है और ये इसका VCC लाइन है, ठीक है। कंफर्म करते हैं इसको एक बार नेगेटिव के साथ, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव के साथ चेक करेंगे क्वांटिटी। देखिए लेकिन इसका अगला पिछला सब जो है शॉर्ट है, तो इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है डायोड। तो डायोड यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, दिखा रहे हैं ये, तो दोनों में से कोई एक शॉर्ट होगा या तो फिर दोनों ही शॉर्ट होगा, लेकिन ये शॉर्टिंग नहीं है। ये शॉर्ट हो चुका है तो इसे हम रिमूव कर देंगे, आयरन से कर देंगे। होता है TVS डायोड जो कि ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहते हैं, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम इसको चेक करेंगे, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब देखेंगे कि ये शॉर्टिंग है कि नहीं है, मतलब अभी भी शॉर्टिंग है या नहीं है। देखिए इसका शॉर्टिंग जो है अभी गया है, तो अब यहाँ पे जो है लाइन है उसको हम चेक करेंगे। ये वाला जो है इसका Vin हो रहा था और यहाँ पे ग्राउंड है, एक सेकंड, ठीक है। और ये वाला जो है Vin हो रहा था, तो यहाँ पे कॉयल ही था इस टाइप का, तो हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे आप जम्पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कॉइल लगाइए, क्योंकि उससे सही रहेगा, प्रोटेक्शन बरकरार रहेगा।
इसका जो पैड है इसमें एक बार सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे दो कॉइल लगा देंगे, इसके लिए हम पुराना हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से कॉइल का जो है इंतजाम करेंगे। और वो जो है ये इसी लाइन का, मतलब जो लाइन आप यहाँ पे देखे हैं जो बर्न हुआ था, यहाँ पे कॉइल जो बर्न हुआ था इसी लाइन का वो डायोड था। तो ये कितने वोल्टेज का, सभी लोगों को पता होगा कि कितने वोल्टेज का होगा, तो उसका देखेंगे, देख के लगा देंगे। तो वो एक्चुअली में वो 5 वोल्ट का था, ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट का जो है नीचे की साइड में है ये वाला डायोड, आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ये जो है आपका 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके पास कुछ दूसरा हार्ड ड्राइव है कि नहीं। तो डायोड के लिए जो है दूसरा हार्ड ड्राइव हमने ले लिए, तो अब हम इसको निकाल देंगे यहाँ से। और निकालने के लिए कंफर्म करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका जो है 5 वोल्ट का लाइन, वो तो हमें कंफर्म हो चुका है। तो अभी अब हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो है डायोड हमें निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकाल देते हैं। अब हम इस बोर्ड में इसको लगाएंगे, लेकिन उसके लिए कंफर्म करना होगा जो नेगेटिव है। कैथोड साइड है, अब यहाँ पे जो है कॉइल भी लगा देंगे। तो अब मैं कॉइल के बदले में, कॉइल तो नहीं मिल रहा है, तो 0 ओम्स का रेजिस्टर जो है लगा देंगे। यहाँ पे हम पहले से ही फ्लुक्स देके रखे थे, इसलिए इसमें कुछ फ्लुक्स नहीं डाले हैं। अब मैं आपको माइक्रोस्कोप के नीचे जो है रख के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 0 ओम्स का रेजिस्टर लगाए जो कि साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने ये डायोड लगाया। तो चलिए अब मैं इसको क्लीन करता हूँ।
देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो चुका है और अब हम हार्ड डिस्क के अंदर इसको सेट कर देंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो अब हम इसको सेट कर देंगे यहाँ पे। और ये स्क्रू जो है नॉन मैग्नेटिक होता है, और इस सिस्टम में आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है दिखा देता हूँ कितना जी भी हार्ड डिस्क है। आ गया, अब माउस काम कर रहा है। देखिए डिस्क मैनेजमेंट पे मैंने आया तो यहाँ देखिए केवल एक ही हार्ड ड्राइव जो है शो कर रहा है। ठीक है, अब हम जो है ये 500 GB जो है लगा देंगे। हार्ड डिस्क जो है रन करने लगा है लेकिन हेड से आवाज आया क्यों करके। देखिए आ चुका है यहाँ पे, देखिए कोने में ST करके जो है ये रेडी हो रहा है और यहाँ पे भी ये हैंग हो चुका है अभी, इसका मतलब जो है ये अभी आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और ये आ जाएंगे, लेकिन स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे इसको रिकवर करना होगा। तो देखिए ये अभी हैंग जो हो रहा था अभी ठीक हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक खाली एक ही ड्राइव आया है अभी, 182 GB एक आया है, अब धीरे धीरे आएंगे।